क्या मुस्लिम किसी हिंदू के यहां नौकरी कर सकता है, उसके साथ उसका जूठा खा सकता है? कोई मसला नहीं है, खा सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं। असल में यह है कि हलाल होनी चाहिए चीज। हिंदू का जबिया हलाल नहीं होगा, वो सिर्फ अहले किताब का जबिया। सूरतुल मायदा में आया कि उन्हीं की औरतें भी हलाल हैं और उन्हीं का जबिया भी हलाल है। जो बुत प्रस्त हैं उनका आप वेजिटेरियन फूड जो है, वो वैसे भी वेजिटेरियन ही है, वो गोश्त वगैरह तो उमन नहीं खाते, तो वो खाना उनके घर का पका हुआ है। अगर वो हलाल खाना पका हुआ है और ऐसे तेल में पका हुआ है कि जिसके अंदर खिंजीर ना पकाया गया हो या ऐसे हराम मुर्दार गोश्त ना पकाया गया हो, तो आप खा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। इस्लाम कोई इस तरह की नफरत नहीं सिखाता। दूसरी तरफ ये जितनी नफरतें इन लोगों ने फैलाई हैं, ये लोग ही लोगों को वाकया सुना रहे होते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर भी काफिरों के लिए बिछा दी, अपने साथ बिठाते थे। आज के दौर में ये वाकयात भूल क्यों जाते हैं और क्यों इस सख्ती के ऊपर उतर आते हैं और वो कहते हैं कि जी इस तरह खाना पीना सब कुछ करेंगे, दिल ही लगाओ, काफिर के साथ नहीं होना चाहिए। बाकी दुनियावी मामलात में कोई भी हो, कोई भी इंसान है, किसी भी मकतब फिक्र से, किसी भी मजहब से, किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता है, आप दुनियावी मामलात उसके साथ लेके चल सकते हैं।